हालेलुया 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 पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तूने पूरे दिन भर हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, अपने आंखों की पुतली के समान हमें बचा कर रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तूने अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा किया, इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, क्योंकि उसने हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। मेरे प्रियो प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उनके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो इसलिए प्रभु के पास आइए। मेरे प्रियो हो सकता है आज आप किसी मददगार की तलाश में होंगे, हो सकता है आज आप किसी सहायक की तलाश में होंगे, तो आज आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहोवा आपका सहायक है, यहोवा आपका मददगार है। चिंता करना छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है, यहोवा की ओर से आपको मदद मिलने जा रही है। मेरे प्रियो इसलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु के नजदीक में आइए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने कार्य धंधे को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। हो सकता है आज आपके परिवार ने आपको छोड़ दिया हो, हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया हो, आपके भाई बहन ने छोड़ दिया हो, आपके माता पिताओं ने छोड़ दिया हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने सारे बोझ यहोवा के ऊपर डाल दीजिए, वही आपके बोझ को हल्का करेगा। आज मेरे प्रियो आप में से कई ऐसे भाई बहन हैं जो मददगार की तलाश में हैं, एक सहायक की तलाश में हैं, और बेसहारों का सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरा पवित्र परमेश्वर है। यहोवा आपका सहायक है, यहोवा आपके संग है, यहोवा आपकी मदद करेगा, यहोवा आपकी रक्षा करेगा, यहोवा आपको आशीष देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा, क्योंकि आपकी चिंताओं का उसको ख्याल है। मृत्यु इसलिए आज चिंता करना छोड़ दीजिए और प्रार्थना करना चालू कर दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए और प्रभु की ओर देखना चालू कर दीजिए। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ मेरे प्रियो वही आकाश और पृथ्वी का करता है और वही आपकी मदद कर सकता है। इस दुनिया में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपका परिवार आपकी मदद नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मेरा यहोवा आपकी मदद जरूर करेगा, आपकी सहायता जरूर करेगा। हो सकता आज आपका मन टूट चुका हो, लेकिन आज प्रभु के पास आइए, और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, इसलिए अपने मन को तोड़कर आइए, प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया रबा शंदा रदा नला रबा नला। मेरे खुदा हम इस समय में तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, और पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना करते हैं। खुदा पिता परमेश्वर जितने भी इस समय में जिस जगह से प्रार्थना कर रहे हैं, उस जगह को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो किसी एक सहायक की जरूरत है, उन्हें वो मददगार को ढूंढ रहे हैं। पिता परमेश्वर तू उनका मददगार है, तू उनका सहायक है। पिता परमेश्वर तू उनकी सहायता कर जिनका कोई सहायक नहीं है। खुदा यीशु मसीह के नाम से उनकी तू मदद कर पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। पिता परमेश्वर लोगों में प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जिनके पास कोई औलाद नहीं है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उनके पास औलाद आने पाए। प्रभु उनकी आशा उनका भरोसा तुझ में है परमेश्वर। पिता परमेश्वर कई भाई बहन हैं जो कई सालों से पिता परमेश्वर वंश की तलाश में है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह वंश तो तेरी ओर से है, पिता परमेश्वर तुम उनके कोख को खोल दीजिए,
यदि पिता परमेश्वर के शरीर में कोई कमजोरी है, गुप्त रोग है, तो प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का गुप्त रोग खत्म हो जाए, तो चंगाई दे, छुटकारा दे। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने हन्ना को वंश दिया, पिता परमेश्वर एलीशिबा को तूने वंश दिया, अब्राहम को वंश दिया, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर उनकी मदद करेगा और परमेश्वर आने वाले दिनों में उनके पास वंश होंगे। आप चिंता ना करें, प्रभु आपको वंश देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर लोग में प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और उनके ऊपर भारी कर्जा का श्राप है परमेश्वर पिता, बीमारी में है पिता परमेश्वर, उनकी मदद कर परमेश्वर, उनके लिए तू जॉब का प्रबंध व्यवस्था कर, बिजनेस का प्रबंध और व्यवस्था कर परमेश्वर, जिनका कोई सहायक नहीं है तू उनका सहायक है खुदा, बेसहारों का सहारा तू है परमेश्वर, उनकी तू सुधि लेने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर, उनके अपने रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, उनके अपने परिवार वालों ने छोड़ दिया प्रभु, लेकिन तू उनको कभी नहीं छोड़ेगा, तू उनकी मदद करेगा, तू उनकी सहायता करेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा और उनको पिता परमेश्वर जॉब देगा, बिजनेस देगा और उनके ऊपर से हर प्रकार की बीमारी को, उनके जीवन में से हर प्रकार की बेरोजगारी को, उनके ऊपर से हर प्रकार के कर्जे को खत्म करेगा। हम इतना विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको मदद करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मेरे खुदा उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर, जिनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी है, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे परमेश्वर, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, ऐसे लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु तू चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे और उन्हें पिता परमेश्वर उठाकर खड़ा कीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में से, उनके शरीर में से नाना प्रकार की बीमारी, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर, तू चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, और यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा उनके शरीर में से खत्म हो जाए। मिर्गी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, यीशु के नाम से छू लीजिए परमेश्वर, तो अभिषेक से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए और तू उनकी सहायता करेगा, उनकी चिंताओं को दूर करेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों में प्रार्थना करना चाहते हैं जो लूले लंगड़े हैं परमेश्वर, जो चल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर तेरे नाम से वो चलने पाएंगे, उनके नसें काम करेंगे, उनकी हड्डियां काम करेगी, आने वाले दिनों में वो दौड़ने पाएंगे और आपकी महिमा करने पाएंगे खुदा। हालेलुया परमेश्वर, उनके लिए तू जॉब का, बिजनेस का, प्रॉपर्टी का, मकान का पिता परमेश्वर प्रबंध करेगा, ऐसे प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह के नाम से तू उनकी मदद करेगा पिता परमेश्वर, जिनका कोई सहायक नहीं है तू उनका सहायक है, जिनका कोई मददगार नहीं है तू उनका मददगार है पिता परमेश्वर, उनकी सुधि लेगा और परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम से, उनके ऊपर से हर प्रकार का बोझ खत्म होगा, उनके जीवन में से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म होगी, उनके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी खत्म होगी यीशु के नाम से, तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खमा बाबा बारा रबा। मेरे खुदा उन लोगों में प्रार्थना करना चाहते जो कोर्ट के केस में फंसे है परमेश्वर, उन्हें तू कोर्ट के केस से बाहर निकालेगा, हो सकता है पिता परमेश्वर उनका वकील ने उनका साथ नहीं दिया हो, लेकिन पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह वकील उनके लिए है, हालेलुया, और उनकी मदद करेगा, उन्हें जेल से निकालेगा, उन्हें कोर्ट के केस से निकालेगा, हालेलुया।
मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तू मदद कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की गरीबी से, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं। हालेलुया रब्बा शंदा रब्बा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मेरा खुदा उन लोगों में प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनकी भूमि किसी ने कब्जा किया, धोखे से पिता परमेश्वर, उधार लेके पिता परमेश्वर, पैसों के ऊपर भी कब्जा किया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर तू मदद कर परमेश्वर, तू मदद कर परमेश्वर, प्रबंध और व्यवस्था कर परमेश्वर, धोखा दे परमेश्वर के जीवन को बदल दे, ताकि पिता परमेश्वर वो भूमि को वापस देने वाले बन जाए, पैसों को वापस देने वाले बन जाए, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में भी प्रवेश करने वाले बन जाए। प्रार्थना कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु, उनकी भूमि वापस मिल जाए, उनके पैसे वापस मिल जाए, ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए, उनकी परेशानी खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए। रब्बा शंदरदा नलरबा ओ रिखा नलरथि नलरदा नलरबा, मेरे खुदा उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता, जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके बीच में फूट है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वो अलग अलग है पिता परमेश्वर, परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे परमेश्वर, ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, तू दया कर रहम कर परमेश्वर पिता, वो परिवार टूटने वाला ना बने, बल्कि पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर आपकी महिमा करे, आपकी आराधना करे, आपके नाम की स्तुति करे। उन पति पत्नियों के बीच में से हर प्रकार का पाप और अपराध खत्म हो जाए, उन पति पत्नियों के बीच में हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, बुराइयां खत्म हो जाए, व्यभिचार खत्म हो जाए, और पिता परमेश्वर वो पति पत्नी एक साथ मिलने पाएंगे, आपकी महिमा होगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो पति पराई स्त्री के साथ है और जो पत्नी पराई आदमी के साथ है, यीशु के नाम से हर प्रकार का पाप खत्म हो जाए, और पिता परमेश्वर अपने अपने पति से, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करने वाले बन जाए और एक साथ रहने वाले बन जाए, यीशु के नाम से उनके बीच में से पाप और अपराध खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, और परमेश्वर पिता उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि वो एक साथ रहे, परिवार एक साथ रहे, और आपकी महिमा करने पाएंगे खुदा। हालेलुया रब शंदर अदन रब, मेरे खुदा उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो जवान पिता परमेश्वर शादी के लिए हो चुके हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी शादी में रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उनके लिए तू पिता परमेश्वर प्रबंध करेगा, जीवन साथी का प्रबंध करेगा, और उनकी मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा, और पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। हालेलुया, तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उनको तू मदद कर परमेश्वर, अपने अपने अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ्य से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे, और परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो किसान है पिता परमेश्वर, उन्हें अभिषेक से भर, अपने सामर्थ्य से भर, जीवन में से हर प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनके जीवन में से हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, आशीषित कर खुदा। हां खुदा, तुमने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और अब्दि नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। धर्मित सन ने बोला आमेन। मेरे प्रियो, आप चिंता करना छोड़ दीजिए, प्रभु की ओर से आपको मदद मिलने वाली है। हो सकता है आपके परिवार वालों ने, आपके रिश्तेदार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन आज मेरा यहोवा पवित्र परमेश्वर, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, इसलिए आप प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे, प्रभु में सदानंदित रहे, खुश रहे, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।